कल बीती रात रोनाही थाना क्षेत्र के संजय नगर बाजार से कोचिंग से घर लौट रहे छात्र पर गांव के ही दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया और छात्र को बुरी तरीके से घायल कर दिया। हमला करने वाले लोग हाथों में लाठी डंडे से प्रहार कर बाइक से नीचे गिराने के बाद असलहे की बट से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद छात्र घायल के मुंह पर लघुशंका की फिर देशी कट्टा से फायर कर दिया। तभी सारे ग्रामीण वहां पर दौड़े पड़े, तभी मौके पर दबंग वहां से फरार हो गए। घायल छात्र की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं छात्रा के चाचा का आरोप है कि हमलावरों ने पहले छात्रा को मारा, उसके बाद उसके मुंह पर लघुशंका कर दी। घटना की सूचना पाकर परिवार के सदस्य छात्रों को CHC लेकर गए, जहां उसकी हालत बिगड़ता देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और उसकी हालत ज्यादा बिगड़ती देख जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहां अभी भी छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। छात्रा के चाचा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस लगातार हमसे सुलह करने का दबाव बना रही है। हमारे परिवार पर दूसरी बार घटना घटित हुई है। पहले मेरे पिताजी से भी लूटपाट हुई थी, अब मेरे भतीजे को भी लोगों ने मार पीटा है। हम चाह रहे हैं कि पुलिस हमें उचित सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे आगे ऐसी घटना हमारे परिवार के साथ ना हो। आरोप है कि दोनों हमला करने वाले युवक गोठवारा गांव के बताए जा रहे हैं। छात्र संजय गंज कोचिंग से अपने घर कुंडौली लौट रहा था, कभी मौका पाकर अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया था। छात्र अनुभव पांडे फैजाबाद पब्लिक स्कूल के कक्षा 11 का छात्र है। चाचा ने बताया कि आरोपियों के कई थानों में मुकदमे भी पंजीकृत है, फिर भी पुलिस उनका साथ दे रही है। इस विषय में हमने रुदौली विधायक से भी बात की है, उन्होंने मदद करने का पूरा आश्वासन दिया है। कल हमारा भतीजा संजय दोनों लोग आए, उसको कट्टे के पट से सर पे उसके बाद कई बार वार किए। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो उसके ऊपर पेशाब कर दिए। पेशाब करने के बाद वो लोग उसको वहीं मुझसे छोड़ के फरार हो गए। उसके बाद हम लोग जो है उसको हॉस्पिटल लेकर थाने गए, थाने से मुझे हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ जब जो है रात भर एडमिट था, सुबह उसको रिफर कर दिया गया मनोरिया के लिए और सुबह हमारा जो है मुकदमा लिखा गया विधायक जी के हस्तक्षेप से, मान्यगणों के जो है हस्ताक्षर से हमारा मुकदमा लिखा गया। और उसके बाद जो है वो लोग जो है थाना पे लगातार दबाव बना रखे हैं कि जो है हम लोगों के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाए जाए, जिससे जो है सुलह हो जाए। लेकिन हम लोग सुलह करने के पक्ष में नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। हम लोग जो है सुबह SSP का SP ग्रामीण से भी मिले थे, उन्होंने भी SO साहब को फोन किया था कि मुकदमा लिख के सख्त कार्रवाई की जाए, सबकी गिरफ्तारी की जाए। हम लोग चाहेंगे मुझे फर्जी मुकदमों से हम लोग बचाया जाए और सख्त कार्रवाई करते हुए हमको न्याय दिलाया जाए और सुरक्षा दिलाई जाए हम लोगों को, नहीं तो हमारे मारा है। हम लोगों को पता नहीं क्या प्रकरण है। हमारा भतीजा लमसम 7:30 बजे घर से निकला था कोचिंग के लिए, उसके बाद वहाँ से वापस हो रहा था लमसम 8:30 के आसपास। उसको जो है घात लगाए राहुल सिंह और भौजल सिंह, ये दोनों लोग बैठे हुए थे, उसको कट्टे के बट से मारे। जब वो बेहोश हो गया तो उसके ऊपर जो है उसके मुंह में पेशाब कर दिए। उसके बाद जो है हम लोग उसको लेके वहाँ सुहावल CHC पहुँचे, वहाँ से उसको रिफ़र कर दिया गया जिला के लिए। तो SO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा थाने से होके जाइए, तो हम लोग थाने गए। उन्होंने कहा इसको तुरंत वहाँ लेके जाइए। हम लोग जिला अस्पताल लेके आए, रात भर एडमिट रहा, सुबह 6 बजे राम मनोहर लोहिया के लिए उसको जो है यहाँ से जो है भेज दिया गया। तो उसके बाद हम लोग सुबह गए, सुबह इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आता है कि आप लोग जो आइए अपना जो है मुकदमा लिखवा दीजिए। हम लोग सुबह मुकदमा लिखवाए। अब इस टाइम अभी हमें लोग को पता लग रहा है कि वो लोग प्रेशर बना रहे हैं कि उधर से भी जो है फर्जी मुकदमे लिखे जाएं, जिससे जो है एक क्रास केस हो जाए और हम लोग को फर्जी मुकदमे फंसाना चाह रहे हैं लोग। किस कोचिंग से आपका बेटा आ रहा था, नाम क्या है, तो कहां पे हुआ, कौन ये सुहावल से हामिद अली मठ साहब हैं, उन्हीं के यहाँ कोचिंग करता है। कहाँ पे घटना घटी थी? लड़का हमारा जो है यहाँ LPS में पड़ता है फैजाबाद में, बेकरी ये संजयगंज से एक बेकरी पड़ता है, हमारी खुद की बेकरी है, उसी जस्ट सामने बंद पड़ी काफी दिनों से। किसी आप उच्च अधिकारी से मिले? जी SP ग्रामीण से हमारे पिताजी मिले हुए थे आज, तो उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन किया कि तुरंत गिरफ्तारी करिए, गिरफ्तार करके हमको बताया जाए। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और बाकी ऊपर से ही हम लोगों ऊपर दबाव आना जा रहा है कि इस पर जो है सुलह हो जाए। क्या मांग करते हैं? तो हमारी मांग ये कि हमारी सुरक्षा की जाए, क्योंकि यह दूसरी बार हमारे घर पे घटना घटी है। एक बार हमारे पिताजी के साथ लूट हुई थी, दोबारा इस बार हुआ, तो हम चाहेंगे मुझे हम लोगों को सुरक्षा दी जाए और हम लोग को जो है जो फर्जी मुकदमे से हम लोग को बचाया जाए। हमारी कोई रंजिश नहीं है, जो है जो राहुल सिंह है
और पहले से उनके ऊपर पिताजी के ही एक मामले में लूट का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था, जिसमें वो वांछित हैं, इस समय वांछित चल रहे हैं। और ये दोनों हिस्से सीटर हैं, कई कई जनपद और कई थानों से इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन तब भी प्रशासन द्वारा इनका सपोर्ट किया जा रहा है और हम लोगों को जो है न्याय दिलाया जाए। हम लोगों को धमकियां बराबर मिल रही हैं, हमारा हम लोग घर से निकल नहीं सकते, हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते, हम लोग वो लोग संजयगंज में संजयगंज बाजार में लाठी डंडा लेके बैठे रहते हैं 100-150 के आसपास, और पर दो लगातार लोग प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। जी विधायक जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कि उन्होंने समझ दिया था कि हाँ मदद की जाएगी हमारी। हमारा एडवोकेट अरुणाकर पांडे, चाचा हैं।